हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मछली पकड़ने के लिए बहुत बार जाते हैं हम, लेकिन शिकार नहीं आता तो इंतज़ार करके घर लौटना पड़ता है। आज स्नैक हेड मछली के लिए और तेलपिया मछली के लिए चारा लेके आए हैं। तो दोस्तों, स्नैक हेड रात के समय में पकड़ने के लिए जो ट्रिक हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। स्नैक हेड पकड़ने के लिए दोस्तों दो ट्रिक होती हैं। एक तो रात के समय में स्नैक हेड का शिकार करना, रात के समय में आपने हुक डाले और सुबह अपने हुक को निकाल लिया, उसमें आपका 100% शिकार होता है दोस्तों। और दूसरा ये है कि हम शाम के टाइम मतलब सूरज छुपने से पहले पहले हम जो शिकार करते हैं इसका। तो दोस्तों, एक छोटा स्नैक हेड होता है और एक, ये देखिए, छोटा स्नैक हेड और एक बड़े वाला स्नैक हेड, दो प्रकार के स्नैक हेड होते हैं दोस्तों। ये धान की खेती में मिल जाता है। और बड़ा स्नैक हेड दोस्तों ज़्यादातर जो छोटी मछली होती हैं, पोठिया मछली जैसे, है ना, और मिर्गल मछली जैसे, इन प्रकार की मछलियों को खाना पसंद करता है दोस्तों। केचुआ भी खा लेता है स्नैक हेड। तो दोस्तों, यदि आपको स्नैक हेड पकड़ना है, बड़ा स्नैक हेड पकड़ना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो पोठिया मछली जो होती है दोस्तों, पोठिया मछली को हुक में लगाकर पानी के अंदर डाल देना है। और ध्यान रहे, यदि आप दिन के अंदर शिकार कर रहे हैं तो दोस्तों आपका हुक जो है किनारे से थोड़ा दूर होना चाहिए। यदि आप रात के समय में हो अपने स्नैक हेड का शिकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल आजमाई हुई ट्रिक बता रहे हैं आपको। किनारे की तरफ, मान लिया जाए किनारे से 1-1.5, मतलब 1 से 2 फुट की दूरी पर ही मतलब अपना हुक डालें दोस्तों, क्योंकि रात के समय पे जो स्नैक हेड है वो किनारे की तरफ आता है और आसानी से शिकार होता है। तो पोठिया मछली को लगा करके आप इसको आसानी से शिकार कर सकते हैं दोस्तों। ये ट्रिक आजमाई हुई है, तभी आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। तो अपने दोस्तों में भेजें वीडियो को दोस्तों, और आप भी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें। अब आते हैं दोस्तों तेलपिया मछली के लिए, जो चारा हम बताने वाले थे आपको। तेलपिया मछली को शिकार करने के लिए दोस्तों दो तीन ट्रिक हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना है दोस्तों। तेलपिया मछली कई बार तालाबों में, ड्रेन में, है ना, नदी के अंदर भी आ जाते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों जो केचुआ होता है, और जो मिर्गल मछली होती है छोटे वाली, बच्चा जो होते हैं, उसको पीस करके आप आटे के अंदर मिक्स करिए कीजिएगा दोस्तों। तेलपिया मछली को पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। मैंने क्या बताया दोस्तों, जो मिर्गल मछली का छोटा बीज होता है, या पोठिया मछली जो पीस करके उसको आटे में मिक्स करके दोस्तों इसका आसानी से शिकार आप कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने हुक को रात के समय में लगाते हैं, और जैसे तेलपिया मछली है या फिर रोहू कतला मछली है, उनके लिए लगा करके अपने हुक को छोड़ जाते हैं, लेकिन इनका जो मुंह होता है दोस्तों वो बड़ा नाजुक होता है। ये बड़ा कांटे में फंसने के बाद बड़ा जोर आजमाइश करते हैं और अपने मतलब अपने मुंह को पाड़ लेती हैं और आपके हुक से निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप तेलपिया या रोहू कतला मछली का शिकार कर रहे हैं तो आप हुक के पास रहें, क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, आपका हाथ में आएगा शिकार। और यदि आप और जैसे स्नैक हेड है, मांगूर है, उसका शिकार आप रात के समय में अपने हुक को बांध करके भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, थैंक यू सो मच। Thank you.